So let's start today. Theory of interference of fringes or fringe width. So today's topic is theory of interference of fringes, that is nth position of degree of a n lift power n, nth position of bf, yani ki bad fringe and dark fringe, and will be going to be that fringe width, expression jisko hum kya bolte hain, beta, symbol is beta. तो जल्दी से देखते हैं सर इसका डेरिवेशन की nth पोजीशन पे या किसी भी पोजीशन पे किन कंडीशंस के अकॉर्डिंग ब्राइट फ्रिंज बन रही होगी या फिर ब्राइट फ्रिंज बन रही है तो उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए और उसकी पोजीशन क्या होगी. तो इन जनरल nth पोजीशन क्या होगी ब्राइट फ्रिंज की, जैसे फर्स्ट पोजीशन फाइंड करना है, सेकंड पोजीशन फाइंड करना है, थर्ड पोजीशन फाइंड करना है, तो व्हाट शुड बी द फर्स्ट सेकंड थर्ड और सिमिलरली nth पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज रेस्पेक्टिवली. फॉर दिस लेट्स बिगिन. लेट्स सपोज ये इनिशियली आपका यहां पर है आपका कौन सा एस सोर्स, सोर्स वाला स्लेट और उससे इक्वी डिस्टेंस पर दोनों तरफ है ना, पास पास ही है लेकिन इक्वी डिस्टेंस है, जितना ये है उतना ही है. तो यहां पर तो यहां बना दिए S1 और S2 सोर्स, S1 एंड S2 सोर्स, एंड लेट्स सपोज द गैप बिटवीन S1 एंड S2 इज स्मॉल d. तो ये यहां से जो भी ये वेव्स निकल रही है वो साइमल्टेनियसली साथ पहुंच रही होगी, तो अब मैं पूरे को बनाने नहीं वाला हूं, बस ये आपको समझा दिया कि भाई ये किसी तरह से फॉलो होगा और फिर यहां से जो फ्रिंजेस निकल करके आपको होगी तो ये पूरे स्क्रीन पर है ना, तो जितनी ये डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में एक्चुअल में स्क्रीन लाल डिस्टेंस पर होती है. तो लेट्स सपोज यहाँ पे प्रेजेंट है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं इसको बाद में रिड्यूस कर दूंगा, अभी के लिए मैं दूर बना देता हूँ. तो लेट्स सपोज ये किसी टी फ्रिंज पर है, थोड़ा पहले ही दूर पहले थोड़ा सा पाथ बना लेता हूँ क्योंकि इसका डेरिवेशन भी करना है. स्क्रीन प्लेस हियर एट डिस्टेंस कैपिटल डी, कैपिटल डी ये डिस्टेंस है और ये जो S1 सोर्स है और S2 सोर्स है जहां पे स्लिट्स हैं, दिस इज S1, दिस इज S2, और उन दोनों के बीच के डिस्टेंस है स्मॉल d, ठीक है. ये इसकी बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन S2 सामने वाली और ये स्क्रीन यहां पर स्क्रीन प्लेस्ड है. सो ये है डिस्टेंस डी डिस्टेंस पर. स्क्रीन का मतलब जब आप डार्क रूम के अंदर जिस जगह पर इंटरफेरेंस फ्रिंजेस को ऑब्टेन करने वाले व्हाटएवर स्क्रीन दैट इज कॉल्ड द स्क्रीन, ठीक है, ऑन व्हाटएवर प्लेटफॉर्म, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म को क्या बोलते हैं स्क्रीन, जहां पे पैटर्न्स ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस विल शो अप. तो देखिए यहाँ पे लेट्स सपोज कि ये जो S1 के यहाँ पे बेस और किसी इस पॉइंट पर पहुंची और इसी तरह से S2 से हर जगह पहुंची होगी तो भी कुछ वेव्स वहां तक पहुंचेगी. मान लीजिए ये पॉइंट ले लिया हमने P और इसी तरह से S2 से भी वेव्स जो है वो यहाँ पे पहुंच गई. अब यहाँ पर कौन सी आपको फ्रिंज मिलने वाली है, ये है हमारा, ठीक है. लेट्स सपोज ये इसकी सेंट्रल पोजीशन जिसको नाम दे देते हैं रेफरेंस पॉइंट O, O मान सकते हो, जीरो पोजीशन बोल सकते हो आप, ठीक है. और इसी तरह से इसका ये रेफरेंस पॉइंट के लिए ये एक लाइन ड्रॉ कर दी और एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी, लेट्स सपोज ये पॉइंट को बोल दिया A और इस पॉइंट को बोल दिया B, ठीक है. क्लियरली अगर ये टोटल S1 और S2 के बीच की डिस्टेंस स्मॉल d है
तो ये डिस्टेंस डी बाई टू हो जाएगी और ये डिस्टेंस भी डी बाई टू हो जाएगी। टोटल डिस्टेंस यानी कि ए बी डिस्टेंस कितनी दे रखी है, टोटल डिस्टेंस बी, या बोले तो ये वाले डिस्टेंस डी बाई टू और ये डिस्टेंस भी डी बाई टू। लेट्स सपोज ओ पोजीशन से ये किसी इसकी पोजीशन x है, x सेंटीमीटर, x मीटर जो भी मान, तो ये क्योंकि बहुत शॉर्ट में होती है तो x सेंटीमीटर ही बोलते हैं। तो ये x डिस्टेंस पर है O से। तो यहाँ पर अभी मुझे ये पूछना है कि कौन सी फ्रिंज बनेगी, डार्क बनेगी कि ब्राइट बनेगी या कुछ और आप बताना चाहते हैं तो वो आप मुझे बताएं, फिर मैं बोलूंगा। तो देखिए साहब, टू पॉइंट पर यहाँ पर डार्क बनेगी या ब्राइट बनेगी डायरेक्ट नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि दैट विल डिपेंड कि जो इंटरफेयर हो रही होंगी, ये जो वेव्स आ रही होंगी इस तरीके से, यहाँ पर जो वेव्स आ रही है, इनका कौन सा पोर्शन क्रेस्ट क्रेस्ट वाला मिला है, ट्रफ वाला मिला है या क्रेस्ट ट्रफ मिला है। तो अगर क्रेस्ट ट्रफ मिला होगा तो डेफिनेटली डार्क फ्रिंज बन रही होगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण। और अगर यहाँ पर क्रेस्ट क्रेस्ट और ट्रफ ट्रफ दोनों में से कोई सा एक मिल गया तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बन रही होगी। तो इसका मतलब है कि इन दोनों में से जो यहाँ पर ज्वाइनिंग होनी है इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि कौन सा पोर्शन यहाँ पर मीट हो रहा है, इंटरफेरेंस किस टाइप का हो रहा है। ठीक, तो ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए। तो उसी इसी चीज के लिए तो हम फाइंड कर रहे हैं कि इस एक्स पोजिशन पे ब्राइट बनेगी या डार्क बनेगी। तो लेट्स डिराइव कि क्या कंडीशन होनी चाहिए कि अगर पी पॉइंट पर ब्राइट है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए। अभी वेव के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ ही रहा होगा कि यहाँ पर मैं क्रेस्ट ये वाला पोर्शन डाल दूंगा इसके अकॉर्डिंग, तो ये दोनों ऐड होकर के ब्राइट दे देगी। अगर उल्टी इस तरह से ज्वाइन हो रही होगी तो ये डार्क दे देगी। इसका मतलब पीपर ब्राइट भी बन सकती है, डार्क भी बन सकती है, उनकी कंडीशन हमें चाहिए कि वो कंडीशन क्या है। तो लेट्स डिस्कस राइट। अच्छा, हमने ये भी सीखा था YDSC के अंदर जिस टाइम हमने कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के डेरिवेशन की थी, कंडीशंस फाइंड करी थी, तो हमें पता चला था कि ब्राइट फ्रिंज बनने के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का होना जरूरी है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो कंडीशन होती है वो होती है कि या तो फेज डिफरेंस पाई का इवन मल्टीपल हो, दैट इज डेल्टा पाई शुड बी इक्वल टू 2 एंड पाई, या फिर जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स इट शुड बी एन लैम्डा, है ना, लैम्डा का क्या हो इंटीजर मल्टीपल हो। अब इन दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन फॉलो हो जाए तो हम कह देंगे कि ब्राइट फ्रिंज बन रही है। सिमिलरली अगर फेज डिफरेंस पाई का ऑड मल्टीपल से 2n-1 पाई है तो हम बोलेंगे कि कंस्ट्रक्टिव है और डिस्ट्रक्टिव है, या फिर पाथ डिफरेंस 2n-1 λ/2 के ऑड मल्टीपल हो देन स्टिल वी कैन से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डार्क फ्रिंज विल बी फॉर्मड एट पी। तो हमें पता चल गया कि P पॉइंट पर अगर डार्क फ्रिंज है तो पाथ डिफरेंस शुड बी 2n-1 λ/2, अगर ब्राइट बन रही है तो एन लैम्डा शुड बी देयर। पाथ डिफरेंस होता क्या है, वेव्स के पाथ में डिफरेंस, पाथ कहां से स्टार्ट हो रहा है, S1 और S2 से। S1 और S2 क्या है, कोहेरेंट सोर्सेस। क्यों है कोहेरेंट सोर्सेस, क्योंकि बोथ आर ऑब्टेन थ्रू अ सिंगल सोर्स। कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ और एक कॉन्स्टेंट फेज या जीरो फेज डिफरेंस हमेशा रहे, तो कभी भी कोई दो सिंगल सोर्स कोहेरेंट नहीं हो सकते, इंडिविजुअल सोर्सेस कोहेरेंट नहीं हो सकते, हमेशा कोहेरेंट सोर्सेस को किसी सिंगल सोर्स के थ्रू ऑब्टेन किया जा सकता है, दैट मींस टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस कैन नॉट बी कोहेरेंट सोर्सेस। अप्रोक्सीमेशन में लेजर लाइट्स को फिर भी टू लेजर लाइट जो बिल्कुल एक मोनोक्रोमेटिक कलर है, यानी कि चाहे रेड कलर हो ब्लू कलर, सिमिलर कलर की सिमिलर इंटेंसिटी की सेम फेज डिफरेंस के साथ इंडिविजुअल रख करके बिल्कुल पास पास रख दो एक ही पोजीशन पे, तो उनको इतनी इंटेंस होती है इस वजह से फिर भी कंसीडर कर लिया जाता है कोहेरेंट। बट इन जनरल टू ऑब्टेन द टू कोहेरेंट सोर्सेस दे शुड ऑब्टेन थ्रू अ सिंगल सोर्स जिसके थ्रू जो वेव्स डिवाइड होकर के फाइनली S1-S2 पे पहुंची, फिर S1-S2 से डिवाइड हुई है। तो क्योंकि ये दोनों मिली नहीं से है इसलिए इनकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ स्पीड वगैरह सब कुछ सेम रहने के कारण इनको कैसा कंसीडर किया जाता है, कोहेरेंट सोर्सेस। ठीक है, तो ये सिचुएशन हमने सब कुछ देख लिए। तो पाथ डिफरेंस होना चाहिए क्या, पाथ का डिफरेंस दो वेव्स के बीच के पाथ का डिफरेंस। फर्स्ट वेव पूछूं मैं तो फर्स्ट वेव कहां से कहां ट्रेवल कर रही है, S1 से P तक, S1 से ट्रेवल कर रही P तक पहुंची,
सेकेंड वेव कहां से कहां तक ट्रेवल कर रही है? एस टू से ट्रेवल कर रही है और पी तक पहुंची, एस टू पी। तो इन दोनों का पाथ क्या क्या हो गया? एस वन पी और एस टू पी। तो इनके पाथ में डिफरेंस क्या आ गया? एस टू पी माइनस एस वन पी। सो व्हाट शुड बी द पाथ डिफरेंस? नाउ अच्छा पाथ डिफरेंस क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि पाथ डिफरेंस ही तो हमें कंडीशन बता रहा है। अगर मैंने पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एन लैम्डा रख दिया तो मैं बोलूंगा पी पर ब्राइट फ्रिंज बन रही होगी, और अगर पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 पुट कर दिया तो मैं बोल दूंगा पी पर डार्क फ्रिंज बन रही होगी। तो पहला एम क्या होना चाहिए? पाथ डिफरेंस साइन करना। तो स्टेप 1 टू फाइंड पाथ डिफरेंस, ये आपके मोबाइल में करनी होती है, ये जो मैंने लिखा है ये लिखने की जरूरत नहीं है। टू फाइंड पाथ डिफरेंस और इनके बिल्कुल क्लियर मीनिंग वगैरह सिंबल्स वगैरह बिल्कुल आपके माइंड में एकदम छपे हुए होने चाहिए ना, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। स्टेप वन आप डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। पाथ डिफरेंस इन वेरियस एक्सपेरिमेंट, आप डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस क्या होता है? डेल्टा एक्स, इट शुड बी इक्वल्स टू बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, एस टू पी माइनस एस वन पी। ठीक है, तो जो बचेगा वही पाथ का डिफरेंस होगा, एस टू पी में से एस वन पी को कर दो। तो वो डेल्टा एक्स एन लैम्डा है या 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2, इस पर डिसाइड किया जाएगा ब्राइट है कि ना। अब पहले हमारा एम क्या है? जो डेल्टा एक्स है यानी कि एस टू पी माइनस एस वन पी है, उनको गिवन टर्मिनोलॉजीज की टर्म में फाइंड करना है। गिवन टर्मिनोलॉजीज क्या क्या है? लैम्डा इज गिवन टू, वेवलेंथ गिवन है क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर वेव्स क्या कर रहे हैं? पर्टिकुलर वेव की वेवलेंथ आपको गिवन होगी। स्मॉल डी डिस्टेंस स्लिट्स के बीच का सेपरेशन, एस वन एस टू के बीच का गैप, डी स्मॉल डी इज गिवन। तो गिवन डेटा, ये सब चीजें आपके माइंड पर चलनी चाहिए सर, कि आपको ध्यान रहे फाइनल एम, व्हाट शुड बी द फाइनल एम? डी गिवन, कैपिटल डी स्क्रीन की स्लिट से डिस्टेंस, सेपरेशन ऑफ स्लिट्स है ना, सॉरी सेपरेशन ऑफ सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स एंड स्क्रीन, स्मॉल डी सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स। ठीक है, ये गिवन है। और क्या क्या गिवन हो गया आपको? x आपको फाइंड करना ही है कि कहां पर ये x डिस्टेंस कितनी आने वाली है, और लैम्डा वेवलेंथ कितनी है आपको गिवन होगी, कौन से कलर की वेव, तो इसका मतलब लैम्डा इज गिवन। तो इसका मतलब यही फाइनल आंसर्स के अंदर रहनी चाहिए, और इन जनरल एनएस की बात करें तो आपको इंक्लूड करना ही है। सो व्हाटएवर आंसर इज टू कम इन दीस फॉर्मेट्स ओनली, लेट्स डिस्कस s टू p माइनस s1 p। s टू p कैसे निकाले, s1 p कैसे निकाले? दूर करके देखा एक नजर आना चाहिए आपको एस टू बी पी, घूर के देखिए थोड़ा, मैं इसको बड़ा लिख देता हूं, ये बी ये ए ये पी, दिस इज एस टू, दिस इज एस वन, दिस इज डिस्टेंस स्मॉल डी। So S2 BP and S2 AP, two right triangles are there. So step two, आपके क्या होना चाहिए? Step two, जिससे हम S2P minus S1P find कर पाएंगे. So in right angle triangle, in right angle triangles, कौन-कौन से? S2 BP and S1 AP. S2 P का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू S2 P का स्क्वायर, देखिएगा बेटा हाइपोटेनियस दिख रही है आपको, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बहुत ये छोटी छोटी चीजें 11 से आने चाहिए आप लोगों को, है दिखने चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल्स। S2 P का स्क्वायर विल बी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बोले तो S2 B का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर। सिमिलरली S1 P स्क्वायर, ध्यान से देखिए हाइपोटेनियस ऑफ ट्राइंगल S1 AP, सो S1 P स्क्वायर शुड बी इज इक्वल टू S1 A का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। ध्यान से देखिए तो S2B is nothing but capital D, screen distance, तो D का square plus BP, B से लेकर P की distance,
x तो ये रही और एक्स्ट्रा डी बाई टू ये रही, तो दिस शुड बी x प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर टू. सिमिलरली S1A इज ऑल्सो कैपिटल डी डिस्टेंस ओनली. ठीक है, इसमें इनकी स्ट्रेट से डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रखी रखिए, नजर आ ही रहा है डी स्क्वायर प्लस एपी डिस्टेंस, यहां तक की डिस्टेंस डी बाई टू है और यहां तक की डिस्टेंस x है, तो x माइनस डी बाई टू. तो ये लिख दिया हमने x माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर. इक्वेशन नंबर थ्री. ठीक, हमें चाहिए एस टू पी माइनस एस वन पी. सो वॉट आई डिड बाय इक्वेशन टू माइनस थ्री वी गेट, वॉट डू वी गेट, एस टू पी का स्क्वायर माइनस एस वन पी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू d स्क्वायर प्लस x प्लस d बाई टू का होल स्क्वायर, जिसको मैं ओपन भी कर रहा हूं हाथों, a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर x स्क्वायर प्लस d बाई टू का होल स्क्वायर d स्क्वायर बाय फोर प्लस 2ab, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x d बचेगा, दिस वन, ये हो गया h2b का स्क्वायर माइनस h1b का स्क्वायर d स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन, ये वाला ब्रैकेट ओपन, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 से 2 कैंसिल, x d बचेगा. नेक्स्ट स्टेप के अंदर ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो जहां 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 प्लस है वहां माइनस बन जाएगा, जहां माइनस है वहां प्लस बन जाएगा, तो माइनस d का स्क्वायर और यहां आ गया माइनस, ये ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने अभी पहला ब्रैकेट. ठीक है, इधर वाला ब्रैकेट भी ओपन कर दिया मैंने, तो ये माइनस और ये जो प्लस है यहां माइनस हो जाएगा और यहां प्लस हो जाएगा, तो मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं सर, तो प्लस की जगह हो गया माइनस, माइनस की जगह हो गया प्लस, ब्रैकेट हैज बीन ओपन. डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर गेट्स कैंसिल, डी स्क्वायर बाय फोर डी स्क्वायर बाय फोर कैंसिल, टू एक्स डी. और ये देख ध्यान से घूर करके देखो इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी या ए माइनस बी ए प्लस बी, व्हाट एवर यू वांट टू राइट यू मे. सो ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स डी प्लस एक्स डी टू एक्स डी, एंड व्हाट डू वी नीड, एस टू पी माइनस एस वन पी, एस टू बी माइनस एस वन बिल्कुल प्रॉपर मैथ्स के थ्रू किया है और सिंपल नाइन टेन ग्रेड की मैथ्स के थ्रू किया है, एस टू बी अपॉन एस वन बी. अब इस स्टेप के बाद इसको इक्वेशन पहले दे देते हैं और फिर इसके बाद आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, दैट मीन्स दिस इज द फाइव स्टार स्टेप. इसके बाद आपको कुछ एक पर्टिकुलर स्टेप फॉलो करनी है. ठीक है, this is step number, this will be the step 3, जो आपको याद रखनी आता है, इसको बोल दो या इसको फाइव स्टार स्टेप बोल दो, which you need to remember. Here, assumption. हम क्या assume कर रहे हैं? S1P और S2P, एक्चुअल में ये फंडामेंटल, आप ध्यान से जब अगर कोई रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट देखोगे या कहीं पर आप देखेंगे कि इंटरफेरेंस पैटर्न क्या दिखता है, तो ऐसा नहीं कि इतना बड़ा दिख रहा है जितना दिखा रखा है, इतने से सिस्टम है बस, ये इतने से सिस्टम है, मान लीजिए ये मैंने बना दिया इतना, तो मैक्सिमम ये इसके इधर और इधर इतने से हिस्से के अंदर खत्म हो चुका होगा, ये 1 2 3 4 जितने भी आने सब इसी इन्हीं के बीच में आ जाएंगे. सो प्रैक्टिकली ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ से और ये वाले दो, अगर मैं अलग अलग भी ले रहा हूँ तो भी ऑलमोस्ट इनकी जो डिस्टेंस है ऐड करूंगा तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, एक 10 है और एक 10.1 या 10.2 है, डजंट मैटर, 20 लिखूं 20.1 लिखूं नीचे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा कैलकुलेशन के अंदर. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, यहाँ नहीं कर सकते, बंटा तो जीरो हो जाएगा. ठीक है, गैप तो 0.1 0.2 का आ रहा है, लेकिन ऐड करने में वो वैल्यू 10 10 प्लस 10.1 20.1, तो 20 लिखूं 20.1 लिखूं हार्डली मैटर्स, बट केवल 0.1 और 0.1 लिखूं तो इट मैटर्स. ठीक है, तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, S1P is almost equals to S2P, और क्योंकि ये फंडामेंटल
स्क्रीन के बहुत पास में हो रहा होगा। ये जो स्क्रीन ली हुई है ये एक्चुअल में इतना दूर नहीं, ये इतना नहीं दूर है, ये जितना मैंने ये बना दिया ये पी पॉइंट। तो ध्यान से देखो ये डिस्टेंस अगर नीचे वाली डी है तो इसको भी तो डी अप्रोक्सीमेशन में माना जा सकता है। तो अगर इसको डी मान लें तो ये अजम्पशन हुआ इसी को फाइव स्टार स्टेप बोल रहा हूँ। आपको ध्यान रखना है इसको मैं डी कैलकुलेशन के हिसाब से। तो यहाँ पर ये भी डी, ये भी डी, ये हो जाएगा टू डी। एंड सिंस by equation 1 h2p minus h1p is delta x path difference, so मैंने इनकी terminology को ही delta x की terms में लिख दिया। तो देखिए यहाँ पर देखो delta x is equal to 2xd divided by h2p plus h1p d plus d बोले तो 2xd upon 2d d से d cancel delta x is equal to xd by d, this is nothing but the path difference। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा थोड़ा सा देखिएगा, delta x बोले तो this implies that path difference, अब भी इसी तरीके से याद रखिए path difference delta x is equal to, this is the most general condition। यही से हम पहुंचेंगे कि फ्रिंज अगर ब्राइट है तो ब्राइट के अकॉर्डिंग कंडीशन लगाएंगे, डार्क है तो डार्क के अकॉर्डिंग कंडीशन लगाएंगे। वी हैव ऑब्टेन द रिलेशन ऑफ पाथ डिफरेंस अमंग द गिवन क्वांटिटीज p p x लैम्डा, लैम्डा में भी रिलेशन आना बाकी, ठीक है। लेकिन हम पाथ डिफरेंस अचीव कर चुके हैं और अब अगर P पॉइंट का पाथ डिफरेंस हमें पता हो कि x डिस्टेंस पर पाथ डिफरेंस इतना आ रहा है, तो बस अब ये पाथ डिफरेंस पर डिपेंड कर रहा है कि पाथ डिफरेंस कौन सी को फॉलो कर रहा है। कहने का मतलब उल्टा बोले, अगर x डिस्टेंस पर ब्राइट फ्रिंज बनी है तो पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, एल लैम्डा, और अगर x डिस्टेंस पर डार्क फ्रिंज बनी होती तो पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए था कंडीशन के अनुसार, 2n minus 1 lambda by 2, उन्हीं दोनों को हमें one by one check करना है। So let's check it out, ठीक है? Now step number 3 के बाद step 4, अब बस ये हमारा काम खत्म हो चुका, part difference नहीं होती, most important thing to have this, ठीक है? Very systematically, step number 4, for bright fringe. Yeah, if bright fringe forms at P, at point P, then कौन सा interference will take place? Constructive interference will take place. Then constructive interference will take place. इसका मतलब ये इतनी चीजें आप लिखो मत लिखो, आप शॉर्ट में ये भी लिख सकते हो, और इतनी सारी चीजें ना लिख करके, फॉर ब्राइट फ्रिंज एट पी, ब्राइट फ्रिंज फॉर्मेशन के लिए, फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज एट पॉइंट पी, व्हाट शुड बी द नेसेसरी कंडीशन रिक्वायर्ड, द डेल्टा एक्स शुड बी एन लैम्डा, डेल्टा एक्स शुड बी एन लैम्डा एन एच पोजिशन के लिए, एक्स इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, position of fringe with respect to O, isn't it? So, for bright fringe formation at P and its position at P at and its position, delta X should be equal to L lambda, equation 6, किसके लिए ये फिर से यहां लिख रहा हूं ब्राइट फ्रिंज के लिए, बाय 5 × 6 वी गेट एक्स डी बाय कैपिटल डी इज इक्वल टू एल लैम्डा, एक्स की वैल्यू क्या होगी, एल लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एन फ्रिंज फॉर्म हुई है। तो अगर आपको पता है x = l लैम्डा के अंदर n = 0 होगा तो क्या होगा, सेंट्रल फ्रिंज,
एन इज इक्वल टू वन फर्स्ट फ्रिंज है ना, फर्स्ट पार्ट डिफरेंस सेकंड पार्ट डिफरेंस किसके रेस्पेक्ट में, एन लैम्डा किसके लिए चल रहा है, ब्राइट फ्रिंजेस के लिए, तो जीरो सेंट्रल, एन इज इक्वल टू वन फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, एन इज इक्वल टू टू सेकंड ब्राइट फ्रिंज। तो यहीं पे हम ये करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन। सो देखिएगा यहाँ पर फॉर एन इज इक्वल टू जीरो एक्स नॉट विल बी जीरो, ठीक है, ये क्या कहलाएगी आपको, इसको अब मैं कोई इक्वेशन ना देकर के बस ये बोल दूंगा कि ये क्या है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, यानी कि सेंटर पर x नॉट इज इक्वल टू जीरो कहां पर आएगा, x जीरो किस जगह हो रहा है, x को जीरो कहां पे मिलेगा, यहां पर इस जगह पर, तो सेंटर पर क्या बननी चाहिए, ब्राइट फ्रिंज बननी चाहिए, ये पता चल गया साहब की हम कंपल्सरी ओ पर हमेशा ब्राइट फ्रिंज ही बनने वाली है और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल टेक प्लेस एट सेंटर, इससे ही पता चला। सेकंड फॉर n इज इक्वल टू 1 x1 इज इक्वल टू 1 लैम्डा डी बाय डी, तो लैम्डा डी बाय डी दिस इज व्हाट x1 बोले तो फर्स्ट पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, पोजीशन पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। सिमिलरली एक और कर देता हूं उसके बाद इन जनरल कर देंगे, डॉट 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 एन इज इक्वल टू टू एक्स टू क्या हो जाएगा, टू लैम्डा डी बाई डी, और ये क्या कहलाएगी, पोजिशन ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज, सॉरी पोजिशन ऑफ सेकेंड ब्राइट फ्रिंज। सिमिलरली तो जीरो लैम्डा डी बाई डी, टू लैम्डा डी बाई डी, थ्री लैम्डा डी बाई डी, फोर लैम्डा डी बाई डी, सो ऑन फॉर एक्स इज इक्वल टू एन, एक्स एन इज इक्वल टू एन लैम्डा डी बाई डी, ये क्या कहलाएगी, पोजिशन ऑफ एन एच ब्राइट फ्रिंज। यही तो हमें चाहिए था, यही तो हमारा एम है, टू फाइंड द एन एच पोजिशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ पोजिशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, एन एच ब्राइट फ्रिंज। हाँ भाई, यहां तक कितनों को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है, देखिए सर, तो ब्राइट फ्रिंज का दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ पोजिशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। स्पेस मेरे पास थोड़ा ज्यादा उधर नहीं है, यहीं पे वापस से कर देता हूं। सो अब हम कहानी कर रहे हैं किसके लिए, स्टेप फाइव, स्टेप फाइव फॉर डार्क फ्रिंज फॉर्मेशन, फॉर्मेशन एट पॉइंट पी, तो P पॉइंट पर डार्क फ्रिंज फॉर्म हो तो कौन सा इंटरफेरेंस विल टेक प्लेस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, फॉर दिस पाथ डिफरेंस शुड बी इज इक्वल टू टू एन माइनस वन लैम्डा बाई टू, टू एन माइनस वन लैम्डा बाई टू, दिस इज इक्वेशन सिक्स सेवन एंड फाइनल इक्वेशन एट, इक्वेशन नंबर नाइन, दिस इज इक्वेशन नंबर नाइन। पाथ डिफरेंस किसके लिए होना चाहिए, डार्क फ्रिंज के लिए, किसकी कंडीशन है, डार्क फ्रिंज की। तो ये रहा पाथ डिफरेंस, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, सो बाय 5 into 9 वी गेट डेल्टा एक्स की वैल्यू एक्स डी बाय कैपिटल डी, टू एन माइनस वन लैम्डा बाय टू। सो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, x is equals to 2n minus 1 lambda by 2 into capital D by small d। फिर से अच्छा equation number 10, n की values आप कुछ भी रख दे, अगर इसमें क्या जीरो रखोगे तो फिर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव का मतलब ये होगा इसमें डरने की जरूरत नहीं, ये नीचे जीरो के ऊपर पॉजिटिव ले रहे हैं, जीरो के नीचे नेगेटिव ले लेंगे। तो अगर कोई यहाँ पे n is equals to zero रख दिया तो माइनस वन, माइनस वन लैम्डा बाय टू, यानी कि माइनस लैम्डा बाय टू का आएगा, सो ओ से फर्स्ट पोजीशन डाउनवर्ड। इसी तरह से अगर मैंने एन इज इक्वल टू वन रख दिया तो मेरे को पहली डार्क फ्रिंज पॉजिटिव में मिलेगी, देखो एन इज इक्वल टू वन रखूंगा तो टू माइनस वन वन का लैम्डा बाय टू, तो पहले एन इज इक्वल टू वन पे तो आ रहा है वन लैम्डा बाय टू, जीरो पे आ रहा है माइनस लैम्डा बाय टू, तो ऑब्वियसली बात है ये लैम्डा बाय टू होगा, तो इसमें अगर ये नीचे माइनस लैम्डा बाय टू है तो ऊपर प्लस का लैम्डा बाय टू होगा। So, हम यहां पर लिख लेते हैं इसको, जल्दी से कर लेते हैं और ये डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। ध्यान से देखो तो यही कंडीशन xn है, n लैम्डा डी बाय डी, यही कंडीशन है nth पोजीशन, बस इसमें करके दिखा देते हैं फिर से,
उतनी एयर कंडीशन आ चुकी है सर. सो फर्स्ट फॉर एन इज इक्वल टू वन एक्स वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा बाई टू डी बाई डी एन इज इक्वल टू टू एक्स टू इज इक्वल टू थ्री लैम्डा बाई टू डी बाई डी कैपिटल डी बाई स्मॉल डी एन इज इक्वल टू थ्री एक्स थ्री इज इक्वल टू फाइव लैम्डा बाई टू डी बाई डी सिमिलरली एन इज इक्वल टू एन एक्स एन इज इक्वल टू टू एन माइनस वन लैम्डा बाई टू इंटू कैपिटल डी बाई डी दिस इज वॉट nth पोजिशन. ये क्या कहलाई फर्स्ट पोजिशन ऑफ डार्क फ्रिंज. ये क्या कहलाई सेकेंड पोजिशन ऑफ डार्क फ्रिंज. ये क्या कहलाई थर्ड पोजिशन ऑफ डार्क फ्रिंज. सो डैश 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 ये क्या कहलाई nth पोजिशन ऑफ डार्क फ्रिंज. दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ डार्क. तो हमारे पास मेन जो फॉर्मूला था वो क्या फॉर्मूला था ये पार्ट डिफरेंस कितने का आ रहा है स्मॉल x इंटू डी बाई डी. ये x ही एक्चुअल में क्या है xn. आप चाहें तो आप इसको वहां पर ही xn कर सकते हैं ना इस x की जगह xn कर सकते हैं ना xn डी बाई डी आ जाएगी. लेकिन फिर वो समझाते टाइम थोड़ी सी शुरू में मुश्किल होती दैट्स व्हाई हम x लेकर के फिर वन बाय वन इसको प्रोसीड कर देते हैं. ठीक है सो डेल्टा x x डी बाई डी ये पार्ट डिफरेंस की जनरल कंडीशन है. इसको या तो आप सब्स्टिट्यूट करोगे एन लैम्डा ब्राइट फ्रिंजेस के लिए या फिर आप सब्स्टिट्यूट करोगे टू एन माइनस वन लैम्डा बाई टू डार्क फ्रिंजेस के लिए और ये कहानी खत्म हो जाएगी. आपको दो यहीं से दोनों कंडीशन मिल जाएगी किसकी ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज की पोजिशन एन एथ पोजिशन की. फर्स्ट कहाँ पे बनेगी सेकंड कहाँ पे बनेगी बिल्कुल क्लियर है हमें. हाँ भाई तो मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. कितनों को अच्छे से समझ में आ चुका है सब कुछ.